सचिवालय तक आई भर्ती घपले की आंच। उत्तराखंड अधिनियम चयन आयोग युगत्र प्लसी की भर्ती परीक्षा में हुए घपले की जांच। उत्तराखंड सचिवालय तक आ पहुंची। पेपर लीक करने वाले गैंग से तार जुड़े होने के शक में बुधवार शाम सचिवालय के अपर निजी सचिव को बुलाकर एसटीएफ ने पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले बुधवार को भी भर्ती परीक्षा के लीक पेपर के जरिए 163वीं रैंक पाने वाले आरोपी तुषार चौहान को गिरफ्तार किया गया था। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह के अनुसार इस मामले में पूर्व में गिरफ्तार आरोपी मनोज जोशी से साक्ष्य मिले। बुधवार को तुषार की गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ ने सचिवालय में वन एवं लोक निर्माण विभाग अनुभाग के अपर निजी सचिव गौरव चौहान को पूछताछ के लिए बुलाया। बुधवार शाम लंबी पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एसटीएफ के मुताबिक आरोपी गौरव चौहान ने अपने परिचित समेत दो लोगों को भर्ती परीक्षा में पास कराने के लिए 15-15 लाख रुपये में डील किया था। आरोपी ने इनका रिजल्ट आने तक 24 लाख रुपए ले लिए थे। लीक पेपर से परीक्षा देने वाले कार्यालय बुलाएं, तो लीक पेपर से भर्ती या परीक्षा देने वालों से एसटीएफ ने खुद कार्यालय आकर बयान दर्ज कराने की अपील की है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि पिछले साल दिसंबर में लीक पेपर से परीक्षा देने वाले कई युवा अब तक एसटीएफ कार्यालय आ चुके हैं। लीक पेपर से पास होने वाले काफ़ी युवाओं की जानकारी मिल चुकी है। उन्होंने चेताया कि यदि ऐसे अभ्यर्थी खुद जानकारी देने नहीं आए तो उनकी गिरफ्तारी शुरू की जाएगी। गिरफ्तार कोर्ट कर्मचारी से मिला चयनित का सुराग, तो अजय सिंह के अनुसार पूर्व में गिरफ्तार यूएस नगर के कोर्ट कर्मचारी मनोज जोशी से पता चला कि उसने 3-4 युवकों को भर्ती परीक्षा में पास करवाने की डील करके रकम वसूली थी। इस मामले में तुषार चौहान निवासी कासमपुर जसपुर यूएस नगर का नाम सामने आया था। एसटीएफ ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया और साक्ष्य भी जुटाए। बुधवार को दोबारा एसटीएफ कार्यालय बुलाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 4 सरकारी और 3 संविदा कर्मचारी शामिल हैं। चयनित अभ्यर्थी और अपर निजी सचिव चचेरे भाई, तो एसटीएफ के अनुसार गिरफ्तार तुषार चौहान और गौरव चौहान आपस में चचेरे भाई हैं। गौरव ने ही मनोज जोशी से मिलकर तुषार को पेपर उपलब्ध कराया था। भर्ती घपले में शासन को जांच रिपोर्ट का इंतजार। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग की भर्ती परीक्षा में हुए घपले में शासन को पुलिस जाँच का इंतजार है। इधर अध्यक्ष एस राजू का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है, यह आयोग कार्मिक विभाग के अधीन आता है। एस राजू का इस्तीफा सचिव कार्मिक के जरिए मुख्य सचिव कार्यालय तक पहुंच गया है। यहां से सीएम कार्यालय के साथ चर्चा के बाद अंतिम निर्णय होगा। भर्ती परीक्षा पर आयोग ही लेगा अंतिम निर्णय। तो अभी सबसे बड़ा सवाल स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के भविष्य पर है। चयनित युवा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, बाकी युवा भर्ती निरस्त करने की मांग पर अड़े हैं। इस पर अंतिम निर्णय पुलिस की अंतिम जांच रिपोर्ट पर ही निर्भर करेगा। आयोग चार्जशीट के आधार पर भर्ती परीक्षा का भविष्य तय कर सकता है। इसे निरस्त करने या नहीं करने का अधिकार पूरी तरह से आयोग के पास सुरक्षित है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अपर प्रवर अधीन सेवा परीक्षा को लेकर के जारी किया गया है। इसमें दिया गया कि इस परीक्षा के सापेक्ष ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए हैं एवं किन्हीं कारणों से निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा नहीं कर पाए, उनके प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए माननीय आयोग द्वारा ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु पुनः अवसर दे रहा है। अभ्यर्थियों को दिनांक 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2022 तक हरिद्वार देहरादून हल्द्वानी में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा के सापेक्ष आवेदन करने एवं मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करने हेतु संबंधित तिथियां इस प्रकार से हैं। तो मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क के माध्यम से जमा करने की प्रारंभ तिथि जो है वो 11 अगस्त से शुरू हो रही है। वहीं मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क के माध्यम से जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 20 अगस्त तक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। VPDO परीक्षा रद्द करने के लिए निकाला जुलूस। तो VPDO और BDO की परीक्षा रद्द कर 2 माह के भीतर एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने के लिए काशीपुर के बेरोजगार युवाओं ने जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के आवास का घेराव कर नारेबाजी की और CM को संबंधित ज्ञापन विधायक को सौंपा।
विधायक ने सीएम से वार्ता करने का आश्वासन दिया। बीडीओ और बीपीडीओ पदों पर भर्ती के लिए उत्तराखंड अनुसूचित चयन आयोग ने 4-5 दिसंबर को स्नातक स्तरीय परीक्षा कराई थी। इस परीक्षा का पेपर लीक होने की जांच उत्तराखंड एसटीएफ को सौंपी गई। एसटीएफ ने मामले का खुलासा कर 13 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके बावजूद यह परीक्षा रद्द नहीं की गई। इसके विरोध में बुधवार को सैकड़ों बेरोजगारों ने जुलूस निकाला। उन्होंने बाजपुर रोड स्थित भाजपा विधायक आवास पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विधायक को अपनी पीड़ा बताई, कहा कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार उजागर होने के बावजूद परीक्षा रद्द नहीं की गई, जबकि ऐसे ही मामले में हिमाचल प्रदेश में परीक्षा रद्द की जा चुकी है। खुद आयोग अध्यक्ष एस राजू भी इस मामले में बड़ा भ्रष्टाचार होने की बात कबूल कर चुके हैं। युवाओं का कहना है कि उनके पास लाखों की रिश्वत देने के लिए रुपए नहीं हैं। उन्होंने स्नातक स्तरीय इस परीक्षा को रद्द कर इसे 2 माह के भीतर एक ही शिफ्ट में कराने की मांग की है। नहीं लगी आयोग की परीक्षाओं पर रोक, तो प्रदेश के हजारों युवा बेरोजगारों के लिए राहत की खबर है। तमाम विवादों के बाद भी उत्तराखंड अनुसूचित चयन आयोग की आगामी भर्ती परीक्षाओं पर रोक नहीं लगी है। केवल कुछ परीक्षाओं की तिथि बढ़ सकती है। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने इसकी पुष्टि की है। हाल ही में स्नातक स्तर की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद अध्यक्ष एस राजू अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। साथ ही उन्होंने सरकार को पत्र लिखा है कि जब तक आयोग में स्वीकृत कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की जाती, तब तक आगे की भर्ती परीक्षाएं न कराई जाएं। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने कहा कि स्नातक स्तर की परीक्षा की एसटीएफ जांच कर रही है, लेकिन आगे की 8 परीक्षाओं को लेकर के करीब 4 लाख बेरोजगारों ने 4200 पदों के लिए आवेदन पत्र भरे हैं, इसलिए आयोग कोई भी परीक्षा पर रोक नहीं लगा सकता है। तो इस प्रकार से इन परीक्षाएँ होनी हैं। तो पुस्तकालय सहायक के 220, पटवारी लेखपाल 521, पुलिस आरक्षी के 1521, वन आरक्षी के 894, गन्ना पर्यवेक्षक के 100, उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर की 76 और सहायक लेखागार के 662 पदों पर भर्ती होनी है। हॉलैंड से नहीं लौटा जनप्रतिनिधि, तो हॉलैंड गए प्रकरण से जुड़े एक जनप्रतिनिधि का एसटीएफ बुधवार को इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं लौटे। एसटीएफ उक्त जनप्रतिनिधि की वापसी को लेकर लगातार नज़र बनाए हुए है, जिसका हुआ है चयन उसकी भूमिका पर भी सवाल। तो उत्तराखंड अनुसूचित चयन आयोग की स्नातक स्तर की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में अब जनपद उत्तरकाशी की एक महिला क्षेत्र पंचायत सदस्य का नाम भी सामने आ रहा है। संबंधित जनप्रतिनिधि का भी इस में चयन हुआ है। सरकारी नौकरी की गारंटी देने वाले जिला पंचायत के जनप्रतिनिधि से भी महिला जनप्रतिनिधि और उसके परिवार के सदस्यों की निकटता बताई जा रही है। चयन आयोग की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे सरकार। तो उत्तराखंड अनुसूचित चयन आयोग की परीक्षा में सफल रहे युवाओं ने सरकार से शीघ्र नियुक्ति देने की मांग की है। नियुक्ति में देरी होने पर बुधवार को उन्होंने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। विधायक खुशाल सिंह अधिकारी और पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के माध्यम से भेजे ज्ञापन में कहा कि उत्तराखंड अनुसूचित चयन आयोग ने 2 साल पहले स्नातक स्तरीय लेवल पर 894 पदों के लिए आवेदन किया था। अप्रैल में इसका रिजल्ट जारी किया गया। उन्होंने कहा कि परीक्षा में बड़ी संख्या में मेहनती और कड़ी तपस्या के बाद युवाओं का चयन हुआ है। उन्होंने कहा कि बीडीओ और बीपीडीओ में चयन के बाद अन्य उत्तीर्ण परीक्षाओं को भी छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि वह जाँच फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने निष्पक्षता के साथ जाँच कर दोषियों को सजा देने की मांग की।